दोस्तों हरियाणा पुलिस के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आपने शायद भर भी लिए होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम आपको शायद आ भी रही होगी। तो कुछ दोस्तों ने पहले वीडियो अपलोड की थी उसके नीचे कमेंट किया था, तो उन कमेंटों के जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, हो सकता है इसमें आपका डाउट भी हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? हमने एक ऐप बनाया है जिसमें आपको हर रोज 100 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें आप लाइव टेस्ट दे सकते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और अपने जॉब के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है, हर रोज 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं, ठीक है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला कमेंट आया था जो नो जॉब इन होम, यानी कि फैमिली में कोई जॉब नहीं है तो उसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन का कागज डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, वो कैसे है? तो दोस्तों वो आपके खुद के कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है उस कैंडिडेट के खुद के साइन होते हैं उस पर, और वो फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और उस लिंक को आप एडिट करके अपना नाम डाल लेना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना फादर नेम वहाँ पे चेंज करके आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके बाद EBPG कैटेगरी अवेलेबल है क्या? तो दोस्तों EBPG कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। SI और कॉन्स्टेबल अलग अलग दो फार्म भरे जाएंगे क्या? दोस्तों SI और कॉन्स्टेबल दो फार्म तो भरे जाएंगे लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होगा, और ठीक है एडवर्टाइजमेंट भी आपकी एक ही होगी, सिर्फ आपकी कैटेगरी नंबर चेंज हो जाएगी और वो आपको टिक मार्क करना है। जैसे आपने कॉन्स्टेबल का फार्म भर दिया, आपका टिक मार्क उसमें लग जाएगा, फिर आपसे पूछेगा क्या आप इसका भी फार्म अप्लाई करना चाहते हो SI का, तो आपको उसके लिए भी क्लिक करना है, आपका वो फार्म भी आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी फार्म एक ही है, पूरा सिस्टम एक ही चलेगा, सिर्फ आपका क्लिक करने का ऑप्शन है कि आप ये भी फार्म अप्लाई कर सकते हो, फीस आपकी अलग अलग दोनों की लगेगी। कॉन्स्टेबल का पहले भर रखा था, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो SI का नया फार्म अलग से भरेगा या साथ में ही ऑप्शन सेट होगा? तो शायद आपको अपना आंसर मिल गया होगा। यदि आपने पहले कॉन्स्टेबल का भर रखा था, अब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और आप सब इंस्पेक्टर का भी अप्लाई करना चाहते हो, फार्म तो आपको पूरा भरना स्टार्ट से ही, कॉन्स्टेबल का भी और SI का भी एक फार्म भरा जाएगा आपका। कॉन्स्टेबल में तो आपकी फीस में छूट मिल जाएगी आपको, और जो SI वाला फार्म है वो भी आप क्लिक कर देना, ऑप्शन क्लिक कर देना, आपकी उसकी फीस पे करनी आपको पड़ेगी, ठीक है, फीस उसकी आपकी एक्स्ट्रा वो आप पे कर देना। उसके बाद मेरा पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं उठा रहा, तो दोस्तों आपका नाम या जो आप डिटेल डाल रहे हो या तो मिसमैच हो रही होगी पीछे से, आप अपना पहले वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो आप उससे एक बार ट्राई कर लो, यदि आपकी पीछे वाले डिटेल नहीं मिल रही है तो आपका फार्म पहले वाला वो रिजेक्ट हो चुका था किसी ना किसी वजह से, ठीक है। दोस्तों एग्जाम में दोनों मीडियम में पेपर आएगा नहीं आएगा? तो दोस्तों अभी तो सिर्फ एक लैंग्वेज में पेपर आना है, आगे कुछ हो जाए समाधान तो पता नहीं, आगे की आगे देखेंगे, लेकिन अभी तक एक लैंग्वेज है। पहले EBPG में भरा था तब 24 साल उम्र थी, अब 25 साल से ओवर हो चुकी है, क्या फार्म भरा जाएगा? तो फार्म बिल्कुल भरा जाएगा, नोटिफिकेशन में यही लिखा, लेकिन अभी मैंने EBPG का पहले जिसकी एज सही थी अब एज ओवर हो चुकी है उसका फार्म अभी तक भरा नहीं है, यानी मेरे साथ अभी ऐसा चांस बैठा नहीं है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट है उसके हिसाब से आप भर सकते हो, आपको छूट है, एक मौका दिया जाएगा। सर ये कैसे पता चलेगा कि फीस पे हो चुकी है? तो दोस्तों आपका जिसमें जैसे आपने पहले फार्म रखा था आपको उसमें छूट चाहिए तो आपका वेवर लिखा आएगा या वेव्ड लिखा आएगा कि आपकी इसमें छूट मिल गई है, और जो आप फीस भरे हो नहीं तो उसमें पेड का ऑप्शन आएगा और उसका प्रिंट आउट भी आपको मिलेगा। ग्रेजुएशन की डिग्री में फादर नेम में मिस्टेक है, अभी ठीक करवा लूँ या फार्म भरने के बाद? देखो इसमें जो डिटेल डालनी है फार्म भरते समय वो दसवीं की डालनी है, नाम फादर नेम जो डेट ऑफ बर्थ है सारी दसवीं की डलेगी, ठीक है, तो आप फार्म भरने के बाद भी थोड़ा अपडेट करा सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक करवा लेना, अदरवाइज नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। आगे लिखा है आई हैव नो एनी मार्क व्हाट आई कैन डू? दोस्तों ये कह रहा कि विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क इन्होंने मांग रखा है, तो
ये बोल रहा है कि मेरे कोई निशान नहीं है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। आपको कहीं ना कहीं कोई तिल होगा, कोई मूसा, कुछ ना कुछ तो निशान आपको जरूर होगा। कोई ऐसी चोट हो आपके पास, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलेगा। जिन्होंने पहले फार्म भर रखा है वो कैसे भरें? तो दोस्तों आपको पूरा फार्म एक बार स्टार्ट से पूरा भरना है। लास्ट में आपका जब आप अप्लाई करोगे कि मेरे को ये फार्म अप्लाई करना है, उसके बाद में आपका ऑप्शन आएगा क्या आपने इस एडवर्टाइजमेंट के लिए पहले भी कभी फार्म अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए। तो आप यदि उसमें यस कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वहां से मांगा जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर करके आपका एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये कैंडिडेट पहले भी फार्म भर चुका है और आपकी फीस में छूट मिल जाएगी, एज में छूट मिल जाएगी आपको, और पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। ग्रेजुएशन की मार्कशीट स्कैन होगी या नहीं? तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट स्कैन होगी फार्म भरते समय ही। फोटो कैसी चाहिए? तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने आप दोबारा से फार्म भरा किसी का, तब थोड़ा ध्यान में दिया। तो दोस्तों फोटो पर नाम लिखा होना चाहिए कैंडिडेट का, उसके बाद जिस दिन फोटो खींची गई थी वो डेट उस पर अंकित होनी चाहिए, वो डेट इस पर लिखी होनी चाहिए, ठीक है। 2 साल का प्राइवेट स्कूल में टीचिंग एक्सपीरियंस है, काउंट होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों यदि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, कोई भी एक्सपीरियंस है, आप अपलोड तो कर दो, काउंट होगा वो नहीं होगा वो बाद की बात है, ठीक है। आप एक बार जो है आपके पास वो तो आप कर दो काम, वो अपना काम पूरा करो, बाद में वो उसको इनवैलिड करती है या वैलिड करती है वो उनकी बाद की समस्या है, अपनी अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके कमेंट थे, और आपके और भी डाउट हैं, उम्मीद है कुछ डाउट तो आपके क्लियर होंगे, फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या और हरियाणा पुलिस की वीडियो है उनके नीचे, तो आपको आपके कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा वीडियो के माध्यम से या आपका तुरंत वहीं पर, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।